मंजिल तुम्हारी वरना जमाना का किसका इंतजार करता है, जिसे यकीन है अपने उड़ान पर दिल से, ऐसा परिंदा ही फलक से प्यार करता है। जनरली हम बात करते हैं जनरल साइंस की या किसी भी टॉपिक की, लेकिन उन सब चीजों से पहले होती है सफलता की तैयारी, किस तरह से की जाए कि हम सफल हो जाएं। आज के इस वीडियो में हम पूर्णतः से इसी चीज पर चर्चा करेंगे कि जिंदगी में सफलता क्या है और हम सफल किस तरह से हो सकते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स और कुछ बातें हमें लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहली बात यह होती है कि हमारा वातावरण किस प्रकार का है, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप पढ़ रहे हैं, जहां पर आप अपना अध्ययन कर रहे हैं, वहां का वातावरण किस प्रकार का है। अगर वहां की सफाई नहीं है, वहां के लोगों के मन में स्वच्छता नहीं है, तो वो निसंदेह है आप उसका पूरा भरसक उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता आप पर हावी होना प्रारंभ हो जाएगी। और वैसे भी हमारे मेवाड़ में तो एक कहा जाता है, बहुत अच्छी सी डायलॉग के साथ में कहा जाता है कि कायर बड़े भोलो रहे और ढूंढने लगा तो लकड़ लेगा। अर्थात ये होता है कि अगर दो बैल हैं और दोनों के रंग अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव एक दूसरे के साथ में मिक्स मैच हो सकते हैं, वो अपना स्वभाव तो ले ही लेगा। तो दोस्तों एक सबसे बड़ी चीज होती है कि वातावरण पर्यावरण किस प्रकार का है, आस पड़ोस किस प्रकार का है, इस पर आप अपना गौर जरूर फरमाएंगे। जनरली जो होता है परिवार में होते हैं माता पिता। आजकल एक ऐसा ट्रेंड चल गया है कि हमें माता पिता के नाम पर लज्जा महसूस होने लगी है, ना जाने क्यों, पर ऐसा होने लगा है। बच्चे माँ बाप से अलग रहने लगे हैं और सफलता के लिए बढ़ रहे हैं। नहीं हो सकता, ऐसे लोग ना कभी सफल होते हैं ना कुछ नहीं। जो सफल होते हैं वो तैयार रहे, आने वाला भविष्य उनका भी वही होगा जो उन्होंने उनके माँ बाप का किया है। तो पहली बात तो ये कि आप फैमिली के साथ रहें, फैमिली का सहयोग लें। फैमिली आपके विपक्ष में नहीं है, फैमिली आपके पक्ष में होती है। फैमिली, मुझे एक बात बताइए, जिस प्रकार से नारियल के ऊपर वाला खोल हटा दूं, अगर मैं नारियल के ऊपर वाला छाल हटा दूं, ये छाल जो ऊपर जो बाल होते हैं नारियल के, उसको पूरा का पूरा हटा दूं, वो एक समाज मान लूं, और वो कठोर आवरण जो एकदम बड़ा हम तोड़ते हैं उसे मैं परिवार मान लूं, तो हम उस अंदर परिवार के बीच में जो श्वेत रंग की चीज है वो हम उतने सुरक्षित बैठे हुए हैं। अगर उसको मैं बाहर निकाल दूं तो दो चार दिन में उसमें सड़न लग जाएगी और खराब हो जाएगा। तो दोस्तों फैमिली बहुत जरूरी है, समाज बहुत जरूरी है, लेकिन जरूरी सबसे ज्यादा माता पिता है, वहां का परिवार है। जो माता पिता को नहीं मानते उनकी सफलताएं बहुत दूर है, क्योंकि सफलताएं उस चीज पर जुड़ी होती है कि आप कितने विनम्र हैं, कितने स्वाभिमान रखते हैं। आपके पास में भीड़ कितनी है। जनरली भीड़ शब्द मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, लोग कहते हैं कि भीड़ से घबराइए, भीड़ की तरफ मत जाइए, भीड़ आपको लूट लेगी। नहीं, भीड़ की तरफ जाइए, भीड़ में ऐसा कीजिए जो आप ही कर पाए, दूसरा नहीं कर पाए। आप भीड़ से अनोखे तभी बनेंगे जब आप भीड़ में रहेंगे। अकेले रह के आप में भीड़ में, अगर आपने अपने आप को अकेला रख लिया और कहेंगे मैं भीड़ में नहीं जाता, तो आप भीड़ के बारे में जानेंगे भी नहीं। इसलिए जरूरी यह है कि आप उस जगह जाइए जहां पर भीड़ है, लेकिन आपका वहां का आस पड़ोस का वातावरण कैसा है ये भी निर्धारित कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, थोड़े दिन पहले नोटबंदी हुई, लोग बैंक में गए और उन्होंने जाकर बोला कि यार मुझे तो अंदर घुसना है किसी प्रकार से। वहां पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, अपने आप को खुद को फंसा लेना था लाइन के बीच में, सारी भीड़ अंदर वैसे ही घुस रही थी, आप भी बीच में घुस रहे हैं, यानी कि प्रतिरोध कम लगेगा। दूसरी चीज, जो व्यक्ति आपके विरोध कर रहा है, जो आपके अगेंस्ट में है या आपसे मुकाबला कर रहा है, उन लोगों पर ध्यान दीजिए, सोचिए, समझिए और प्रतिक्रिया बहुत ही बाद में कीजिए, क्योंकि आप अगर उन पर प्रतिक्रिया करते हैं तो आपके लिए प्रतिरोध उत्पन्न होगा। प्रतिरोध उत्पन्न होने से आपको ज्यादा उसके लिए सोचने और समझने की आवश्यकता लगेगी और आपका समय उधर व्यर्थ हो जाएगा जिधर व्यर्थ नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छी बात है अगर आप किसी समाज में गुजर रहे हैं या कहीं जगह से आप जा रहे हैं और आपके छह लोग कहते हैं कि आप बेस्ट हैं और चार लोग कहते हैं कि आप वेस्ट हैं, बहुत अच्छी बात है। इन चार लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि वो आपको बेस्ट बोल रहे हैं, बेस्ट नहीं बोल रहे हैं। जब तक आपको छह लोग बेस्ट बोले, चार लोग वेस्ट बोले, तब तक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये चार लोग बेस्ट बोलेंगे ना, तभी हम आगे दौड़ेंगे कि हमारे अंदर क्या कमी है, उस कमी को हम ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे, और जब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों मैं ऐसे लोगों को बोलूंगा जो हमारी बार बार कमी निकालते हैं, बार बार कमी निकालते हैं, बार बार कमी निकालते हैं, उन लोगों के लिए जरूरी है वो कमी निकाले। आपको पता है अगर एक बीमार सा आदमी चल भी नहीं पा रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो उसे बहुत तेजी से दौड़ा सकता हूं। सीधा सा फॉर्मूला है, उस व्यक्ति के पीछे कुत्ता दौड़ा, है ना। जब व्यक्ति कुत्ते उसके पीछे दौड़ेगा तो पीटी उषा से भी तेज दौड़ेगा। सीधी सी कंडीशन ये होती है कि कुत्ते से डर लगता है और दौड़ पड़ता है। समाज में ऐसे व्यक्ति जो आपकी आलोचना कर रहे हैं वो जरूरी है, अगर नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी प्रकार वो स्टूडेंट, मुझे एक कल्पना करके बताइए कि कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो पूरे साल पर्यंत नहीं पढ़ते, पूरे साल भर नहीं पढ़ते, मात्र पढ़ते कितने दिन है, 10 दिन।
10 दिन में भी वो कुछ नहीं तो 36% से 40% बना लेते हैं। यार वो बहुत अच्छे होते हैं जो 36 से 40% 10 दिन में बना लेते हैं। अगर वो लड़के 280 दिन जो कि पूरी कार्य दिवस पढ़ ले तो क्या करेंगे। जरूरी ये नहीं कि हम कमजोर हैं, जरूरी ये नहीं कि हमें क्या करना है, जरूरी ये चीज है कि हम सोच तो लें कि हम क्या हैं, हमारे अंदर सारी शक्तियां नहीं थे, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर होती है कि हम दूसरों के लिए सोचते हैं। जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं तो हमारा दिमाग उसके लिए खर्च होता है। जनरली मुझे लोग कहते हैं कि सर मैं जिस उस रास्ते से गुजरा तो मुझे ये कहा गया, उन्होंने मेरे लिए अपेक्षा की, मेरी उपेक्षा की, मेरे बात बोली। दोस्तों एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, अगर कोई आदमी आपकी आलोचना कर रहा है या आपके लिए सोच रहा है तो सोचो कितनी बात बढ़िया हुई। एक तो आप आपके खुद के लिए सोचते हो, एक आप आपके खुद के लिए सोचते हो और एक वो आदमी भी आपके लिए सोच रहा है। जब दो आदमी एक ही चीज के लिए सोचते हैं, जब दो आदमी एक ही चीज के लिए सोचते हैं तो सफलता जल्दी मिलती है, देर से नहीं मिलती। तो सफलता जल्दी मिलती है, कभी भी देर से नहीं मिलेगी। इसलिए जिंदगी में एक चीज गांठ बांध लो, पर्यावरण, आस पड़ोस, वातावरण, माता पिता और भीड़ का होना बहुत जरूरी है। और अगर भीड़ का होना जरूरी है और वो लोग आपकी आलोचना करते हैं तो ये भी सोचिए कि वो भीड़ आपको सुरक्षित भी रखती है। तो जरूरी ये भी है कि आपको आगे बढ़ने के लिए अपना परिवार नहीं छोड़ना, आप बिल्कुल उस नारियल की तरह अपने आप में सेफ है। इसीलिए तो किसी ने सही कहा है कि कदम बढ़ाओ तो जमाना तुम्हारा है, वरना मंजिल तुम्हारी है, वरना जमाना तो किसका इंतजार करता है। जिसे यकीन है अपने उड़ान पर दिल से, ऐसा परिंदा भी फलक से प्यार करता है। आभारी हूं मैं आपका, फिर एक नए वीडियो के साथ में मिलूंगा। तब तक के लिए आप सब लोगों को जैसे हुए उनके पर बोलते हैं, जो लोग रहते हैं अक्सर खामोश, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं।